और बात है कि मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया, लेकिन जो भी बना हूं, जो भी बनने की कोशिश कर रहा हूं, उसे अब शिद्दत से कर रहा हूं। अगर पहले ये काम मैंने शिद्दत से किया होता तो आज किसी और मुकाम पे होता मैं। और मैं खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा। अक्सर लोग ये सवाल पूछने से कतराते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं जो अगर ठीक से एक यंग एक्टर कर पाता। उस जमाने में कोई मेंटर नहीं था, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी एक्टर थे, वो अपने करियर में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने भी एडवाइस देना ठीक नहीं समझा। वो तो खैर चाहते ही नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता ऐसी चीज है जिसे संभालना भी पड़ता है। रोहित रॉय इंडस्ट्री के ऐसे स्टार हैं जिन्होंने करीब करीब एक साथ टीवी और फिल्मों में डेब्यू किया था। अब तक के करियर में वह 30 से अधिक टीवी शोज और करीब इतनी ही फिल्में कर चुके हैं, लेकिन वह खुद मानते हैं कि सक्सेस पाकर उनका दिमाग खराब हो गया था। नवभारत टाइम्स एक्सक्लूसिव बातचीत में रोहित कहते हैं, मुझे बहुत जल्दी सफलता मिल गई थी, मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया। रातों रात मेरे स्टारडम से मेरा दिमाग खराब हो गया था। लोग मुझे कहते थे कि मैं शाहरुख खान को हिला दूंगा, लेकिन आज शाहरुख वही है और मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया। काश अपना काम शिद्दत से किया होता तो आज किसी और मुकाम पर होता। रोहित कहते हैं कि उन्हें आज एहसास होता है कि उनका कोई मेंटोर नहीं था। बड़े भाई रोनित रॉय भी अपने करियर में इतने मशरूफ थे कि कभी कोई सलाह नहीं दे सके। रोहित बताते हैं कि बड़े भाई कभी नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में करियर बनाए। कैसे रहेगी 25 साल? क्या किसी चीज का कोई मलाल है कि ये नहीं कर पाया, इतना आगे नहीं जा पाया, ये मेरे हाथ से निकल गया? किस कैसे देखते हैं अपनी इस सफर को? 25 साल की जर्नी का खुलासा एक एपिसोड में करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिन चीजों का मलाल मुझे ये है कि बहुत अर्ली ऑन मुझे सक्सेस मिल गई थी। स्वाभिमान बहुत बड़ा हिट हो गया था, ऋषभ मल्होत्रा का किरदार मान लो शोले का गब्बर बन गया था। ऐसा किरदार टेलीविजन पे कभी आया है उससे पहले था, और उस दौरान तो कोई ऐसा कैरेक्टर था नहीं। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों को लगा था, तो वो सारी चीजें मैंने बहुत लाइटली ली। मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया अपने काम को फर्दर करने में, कभी कोई प्लानिंग नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि ये फिल्म करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये शो करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त टेलीविजन पे मैं जो भी करता था वो चमकता था। स्वाभिमान किया, बात बन जाए किया, सारी सीरियल्स सुपरहिट हो गई, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत केयरलेसली अपने करियर को हैंडल किया। कभी अपने क्राफ्ट पे मैंने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, क्योंकि उन दिनों कुछ भी करता था लोगों को पसंद आता था तो मुझे लगता था यही सही है। और एक लड़का जो एक छोटे से शहर से आया है, अहमदाबाद से आया है, आके इतना ओवरनाइट चकाचौंध देखना, इतना सक्सेस देखना, कहीं ना कहीं दिमाग खराब हो गया था। आज कह सकता हूँ दिमाग खराब हो गया था। उससे मुझे एडवर्स इफेक्ट ये हुआ कि मैंने अपनी एक्टिंग पे फोकस नहीं किया। तो ये सारी चीजें मलाल है दिल में कि मैंने, और जो भी मेरे साथ हुआ इसमें बाहर वालों की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है इसमें। मैं अगर कहूँ कि हाय भगवान आपने मुझे इतना अच्छा ब्रेक दिया, उसके बाद कुछ हुआ क्यों नहीं? लोगों का कहना था कि भाई तो शाहरुख को हिला देगा, शाहरुख की दीवाना आई थी 92 में, वैसा कुछ हुआ नहीं, भाई तो वही है, मैं तो अभी भी लगा हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैंने अपने आप को ठीक से हैंडल किया होता, मैं यंग एक्टर्स के साथ जब भी बात करता हूँ उनको कहता हूँ कि एक सीरियल के हिट होने से ये मत समझ जाना कि तुम स्टार बन गए हो। स्टार वो सीरियल है, वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा किरदार तुमने अच्छे से निभाया होगा, लेकिन वो जैसे ही सीरियल बंद होगा वो लोग भूल जाएंगे। मेरी खुशकिस्मती ये है कि 25 साल पहले किया हुआ मेरा कैरेक्टर और मेरा सीरियल आज भी लोगों को याद है, इसीलिए आज भी काम मिलता है, आज भी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये खुशकिस्मती की बात है। तो मैं दोनों तरीके से अपने करियर को देखता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं उस जमाने के जो आपको अभी नजर भी नहीं आएंगे। मैं अभी भी फिल्में कर रहा हूँ, अभी भी बड़ी फिल्में कर रहा हूँ, टेलीविजन पे स्टारिंग रोल्स कर रहा हूँ, वेब में लीडिंग मैन प्ले कर रहा हूँ। तो हाँ, ये और बात है कि मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया, लेकिन जो भी बना हूं, जो भी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे अब शिद्दत से कर रहा हूँ। अगर पहले ये काम मैंने शिद्दत से किया होता तो आज किसी और मुकाम पे होता मैं। और मैं खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा। अक्सर लोग ये सवाल पूछने से कतराते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें हैं जो अगर ठीक से एक यंग एक्टर कर पाता। उस जमाने में कोई मेंटर नहीं था, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी एक्टर थे,
वो अपने करियर में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने भी एडवाइस देना ठीक नहीं समझा, वो तो खैर चाहते ही नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं। तो एल ऑल एंड ऑल अगर इस पूरे चीज को सम टोटल किया जाए तो मैं खुश हूं जहां हूं। स्ट्रगल अभी भी जारी है लेकिन मैं खुश हूं स्ट्रगल से। एक कॉन्फिडेंस है कि अब मैं क्राफ्ट जानता हूं, अब मुझे पता है कि एक्टिंग कैसे की जाती है और किस तरह से हर किरदार को, अलग अलग किरदार को निभाया जाता है, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में जितने अवार्ड में जीता हूँ उतने पहले पूरे करियर में नहीं जीता था। तो मैं खुश हूँ यार।